इसको एंड तक देखिए, क्योंकि आज मैं देने वाली हूँ अपने ब्लॉग में 5 टिप्स ऐसी कि आप काम करते करते अपने फैट को आसानी से ही रिड्यूस कर सकते हैं। गाइस जैसा कि आप जानते हैं, मैं 90 kg की थी, तो मैं प्रॉपर वक्त अपने लिए इतना नहीं निकाल पाती थी कि मैं बैठ के योगा कर पाऊँ या एक्सरसाइज कर पाऊँ, तो मैंने ऐसे ही चलते फिरते अपना वेट रिड्यूस किया है। तो ऐसी ही आने वाली ब्लॉग्स में भी मैं अपना फैट रिड्यूस करने की टिप्स दूंगी, फेस ब्यूटी की भी टिप्स दूंगी, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तो काम करते करते बताती हूँ, क्योंकि मेरे को वक्त नहीं है इतना कि मैं बैठ के वीडियो बनाऊँ। टेंटर यहाँ पर लाइट इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए वीडियो अच्छे से नहीं आती है, ऐसी आती है अंधेरे में काली काली। आज गाइस ठंड कम है, तो आज बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई है, बट हवा बहुत है। तो ये मैं बना रही हूँ शाम की चाय, आप पियेंगे? चलिए तो ये हमारी चाय तैयार होनी शुरू हो गई है। चाय की टिप्स भी दे दूँ क्या? चाय पी के तो फैट बढ़ता है, आप रहने दीजिए, मैं ही पी लेती हूँ, क्योंकि मैं तो चलते फिरते अपना फैट रिड्यूस कर लेती हूँ, बट आप नहीं कर पाओगे, तो इसलिए आपको चाय नहीं पीनी है। तो चाय बनाना शुरू। चाय बनाते बनाते मैं एक बादाम भी खा लेती हूँ, क्योंकि ठंड तो है ही ना, हवा चल रही है, कुछ तो असर करेगा ही। चलिए तो ये मैंने चाय रख दी है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप किचन में काम करते करते ही अपने फैट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है गाइस, बहुत ही सिंपल है। चलिए तो देने वाली हूँ मैं आपको पहली टिप्स, ध्यान से देखिएगा गाइस। ये आपको अपने हाथ इस तरीके से यहाँ पर पीछे रखने हैं, ये देखिए किचन के स्लेब पर आप इस तरीके से अपने दोनों हाथों को रख लीजिए, पैरों को थोड़ा आगे लाइए, घुटनों को ऐसे फोल्ड करना है और आपको इस तरीके से नीचे बैठना है। आप इसके 10-10 सेट लगा सकते हैं, जितने आप कर पाए, जैसे जैसे आप कर पाते हैं धीरे धीरे आप अपनी स्पीड बढ़ा लीजिए। अगर आप इसको 50 बार भी कर पाते हैं, इसके 50 सेट भी आप लगा पाते हैं, तो यकीन मानिए आप 1 घंटा जिम में पसीना बहाने के बराबर ही अपना वर्कआउट कर पाएंगे। इससे आपका फैट बहुत ही जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। ये फुल बॉडी फैट रिड्यूस की टिप्स है, इसको आप बिल्कुल भी ना स्किप करें, ठीक है। अब मैं देती हूँ आपको दूसरी टिप्स जो बहुत ही ईजी है। जैसे देखिए आप किचन में काम कर रहे हैं, अगर आपको आटा गूंदना है या कुछ भी काम करना है किचन में, आपको सब्जी कट करनी है, आटा गूंदना है, तो आप उसको घुटनों के बल बैठ के कर सकते हैं। जैसे आप खड़े होके करते हैं, आप इसी को बैठ के कर सकते हैं। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मैं 10 बार ऐसे उठती और बैठती। किचन में वेले मत खड़े रहिए, अगर आप किचन में वेले खड़े रहेंगे, जैसे कि हमारा चाय बन रही है, हम इतने टाइम हमें फ्री हैं, इस टाइम में आप क्या कर सकते हैं, दोनों हाथ ऐसे रखिए, 1, 2, 3 and 4 and 5, 6 कितने भी कर सकते हैं आप इसके, 10, 15, 20 जितना आप कर सकते हो आप उतने ही सेट लगा सकते हैं। गाइस आज की वीडियो बहुत ही काम की है, आप प्रॉपर 1 घंटा अपना मैट पर नहीं दे सकते हैं कि मैट पे बैठे या एक्सरसाइज करें या योगा करें तो तभी फैट रिड्यूस होगा। आप चलते फिरते योगा या एक्सरसाइज करेंगे तो भी आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अब मैं आपको देती हूँ नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप बहुत ही काम की है, जैसे किचन में हम हैं और कुछ भी खाने की चीज़ पड़ी हुई है और आपका उसका खाने का मन है, कुछ भी है खाने का मन है,
तो आपको उसको ऐसे घूर कर ऐसे खाना नहीं है, ऐसे गर्दन हिला देनी है। आपका ऐसे ही कम से कम 5-6 किलो फैट रिड्यूस आसानी से हो जाएगा। चलिए देखती हूँ, जब तक चाय बनती है मैं देखती हूँ मेरा बेटा ऊपर क्या कर रहा है। ऊपर पतंग उड़ रही है क्योंकि बसंत आने वाला है। मेरा बेटा पतंग का बहुत शौकीन है, लेकिन मैं उसको अभी पतंग नहीं उड़ाने दे रही हूँ, तो बसंत वाले दिन तो पतंग उड़ाएगा ही उड़ाएगा। ये देखिए गाइज, अब हम आ गए हैं ऊपर। आज मैं दिखाती हूँ आपको अपनी छत का नज़ारा। ये देखिए ऊपर क्या देख रही हो, हवा में इतनी ज़्यादा क्या देख रहे हो? पतंग में। आपको पतंग उड़ाना पसंद है सच्ची में? गिर जाओगे, नीचे उतरो सुधांशु, नीचे उतरो। आपको इतनी क्या पसंद है पतंग? सुधांशु इधर आ जाओ। अभी पेचे होने वाले हैं। क्या होने वाले? पेचे। पेचे मीन्स? पेचे मतलब दो पतंग में लड़ाई होने वाली है। अच्छा देखो ऊपर ऊपर। अच्छा कहाँ पे? ऊपर ऊपर। आपका होमवर्क हो गया स्कूल का? सारे का सारा हो गया। और ट्यूशन का? और मैथ का होमवर्क सेंड कर दिया मैम को? कर दिया। अच्छा पतंग आप कब उड़ाओगे फिर? मेरे पास है ही नहीं 3 रुपये दे, एक पतंग तो ले आऊँ। नहीं बसंत वाले दिन दूंगी मैं आपको पैसे तब उड़ाना पतंग। 200 रुपीज़। 200 रुपीज़ चाहिए आपको? 200 से भी ज़्यादा ही लगेंगे मेरे ख्याल से। 1000। ओह माय गॉड, 1000 रुपीज़ चाहिए आपको? अब तो पेचे होने वाले हैं। पेचे होने वाले हैं। अच्छा क्या क्या लोगे आप? कहाँ लड़की? उधर कहाँ लड़की? वो ऑरेंज वाली लाल वाली उधर कोने में। हाँ सामने 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 सामने। हाँ अभी कटेगी, अभी कटेगी, इसमें तो आ ही नहीं रही। हाँ दिख गई, दिख गई, दिख गई, दिख गई, दिख गई, दिख गई, ओरी 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 ओरी। वहाँ से भी पिंक कलर की कट के आ रही है देखो। कहाँ से? ओरे 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 ओरे। ओह यहाँ पे पतंग कितनी चल। कैसी लगी आपको ये वीडियो? लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टाटा, सी यू।